हरियाणा की नब्बे विधानसभा सीटों पर वोटों की काउंटिंग से पहले कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है लगभग सभी एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को बहुमत दिखाया गया है जिसके बाद अब यहां सीएम की कुर्सी को लेकर रस्सा हुड्डा रविवार रात ही रोहतक से दिल्ली रवाना हो गए जहां उनकी कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया से मुलाकात हुई शाम को वे राहुल गांधी से भी मिल सकते हैं दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने अपने भरोसेमंद उम्मीदवारों के रोहतक में घर पर मीटिंग भी की इस बारे में जब भूपेन्द्र हुड्डा से पूछा गया कि मुख्यमंत्री या हरियाणा के एग्जिट पोल पार्टी की जीत की संभावना के बारे में उनकी हाईकमान से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इस बारे में में किसी भी बाहरी पर कुछ नहीं बताएंगे सीएम की दूसरी बड़ी दावेदारी कुमारी शैलजा वोटिंग के ही दिन राजस्थान सलासा धाम पहुंच गई थी वहां पूजा करने के बाद उन्होंने गाय की पूछ से भी सीएम बनने का आशीर्वाद लिया तीसरे दावेदार रणदीप सुरजेवाला ने एग्जिट पोल आने के बाद उत्तराखंड में केदार धाम में माथा टेका है वह चुनाव के दौरान भी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा जाहिर कर चुके हैं इन तीनों चेहरों के अलावा

काउंटिंग के दिन यानी कल आठ अक्टूबर को राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में ही रहेंगे कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक रिजल्ट आने के बाद किसी तरह की रणनीति को लेकर फैसले में देरी न हो इसके लिए अब फैसला लिया गया है कांग्रेस में सीएम चुनने की प्रक्रिया के तहत पहले ऑब्जर्वर्स भेजे जाते थे जो वन टू वन विधायकों की राय लेते हैं उसके बाद इसकी रिपोर्ट हाईकमान को दी जाती है फिर वहां से सीएम का नाम फाइनल किया जाता है हालांकि आमतौर पर कांग्रेस विधायक दल एक लाइन का प्रस्ताव पास कर हाईकमान को अंतिम फैसले की छूट देता है फिर भी कांग्रेस ज्यादा विधायकों की एक राय हो तो उसे नजरअंदाज नहीं करती